बड़े बड़े वड्डे धर्म होए ने, उन्हां दे राहबर होए ने, उन्हां दे पैगंबर होए ने, पर कहिंदा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी विलखणता सारे धर्म ग्रंथां नालों वखरी है। कहिंदा मैं बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े ने, मैं इस नतीजे ते पहुंचिया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हर पासे तो विलखण, एक भी राहबर एक भी पैगंबर जिहड़े उन्हां दे धर्म ग्रंथ ने, अपनी हजारती विच एक भी अखर लिखे ने। महात्मा बुद्ध जी ने बड़ियां चंगियां सिखियावां दित्तियां लोकां नूं, अपनी हजारती विच उन्हां ने कोई एक अखर भी नहीं लिखे। विद्वान ते कहिंदे ने कि 500 साल बाद विच बुद्ध जी तो उन्हां दा धर्म ग्रंथ होण विच आया। 500 साल जे फिलासफर होए ने, सुकरात जी ने जो कहा उन्होंने लिखती रूप नहीं दिता, अफलातून तो पता लगता है। फैसागोरस का जरा सिद्धांत सी वो लिखती रूप नहीं दे सके। हजरत ईसा जी का अज मनण वाले का बड़ा बेशक गिनती विच बहुत ने, अपनी हजारती विच उन्होंने बाइबल का एक अखर तक नहीं। हजरत मुहम्मद साहब ने बड़िया चंगिया सिख्यावां दित्तियां अरबी लोगों ने, पर उन्होंने कुरान का एक भी सपारा अपनी हजारती विच नहीं लिखिया। निकाल को कहिंदा ते ये मान ये वड्याई ये परबता जे किसी ग्रंथ नूं मिली है तो तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने, जिन्हां दी संपादना गुरु साहिब जी की अपनी हजूरी विच अपनी नगरशानी विच होई। निकाल को जी कहिंदे असीं इस करके सत्कार नाल नाम लैंदे आ कि उन्हां ने बड़ी ईमानदारी नाल काम कीता। निकाल जी कहिंदे ने जिन्ने धर्म ग्रंथ ने किसे धर्म ग्रंथ नूं गुरु दा रुतबा नहीं दित्ता। जे गुरु दा रुतबा प्राप्त होया ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हन। इस तरह कह लो कुरान होर है, हजरत मुहम्मद साहब होर, बाइबल हो रहे हैं, हजरत ईसा जी होर ने, केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं। बस बाणी ही साडा गुरु है ते गुरु ही साडा बाणी। साध संगत बेशक इस कार्य ते 3 वरे लगे गुरु अर्जन साहिब महाराज ने, जिथे गुरुद्वारा राम सर साहिब शहीदां दे कोल रामसर साहब वाले स्थान पर। पर भाई वीर सिंह जी कहते ने भी इस कार्य की आरंभता श्री गुरु नानक साहब जी महाराज करके। मैनू माफ करना, मैं तुहाडी गल नहीं करदा, मैं अपनी गल करदा। सानू नहीं पता भगत जयदेव जी का पिंड केड़ा, पीपा जी का केड़ा, सैन जी का केड़ा, सदना जी का पिंड केड़ा, परमानंद जी का पिंड केड़ा, भीखन जी का केड़ा। एक तो साडा पढ़न दा रुझान घट गया, वैसे एक कौमी तौर पर बहुत वड्डे घाटे वाली गल है जिहड़ा साडा पढ़न दा रुझान घट। अमृतसर साहब किते जाओ, सिंह ब्रदर वालियां को जाओ, गुरमत लिटरेचर हाउस ने श्री दरबार साहब वालों इधर भी उधर भी उन्होंने कितने जरूर पुछ के देखियो पाई गुरमत लिटरेचर किन्ना तो लोग लैके जाते। बाकी दे गल्लां छड्डो, गुड़का साहब घर लियाउण दा रुझान ही खत्म हो, मोबाइल तो पाठ करते हैं। चलो सफर विच कोई सौ नहीं होंदी, मनाही नहीं कि सफर करना ही नहीं, कोई मनाही नहीं, पर घर विच जद होई फिर गुटका साहब जो पाठ करना चाहिए। मैं बहुत स्टेजां ते बेनती कीती ने, मैं
ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ ਲਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਵੋਗੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਚਲੋ ਖੈਰ ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵੈਸੇ ਆਸਥਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਦਰ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 200 ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ 300 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੈ 300 ਮੀਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ 300 ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਲ ਪੈਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬੇ ਡਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਵੇਂ ਅਖੰਡ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪੈਦਲ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਸੰਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਜਤ ਪਏ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਣਵਾਰੀ ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਪਛ ਪੂਜਾ ਬਾਨ ਮਸੱਲਾ ਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਟਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਲਈ ਮਸੱਲਾ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਐਨ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਦ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ
मैं तुम्हें तो साखी नहीं सुना केवल चेता करवाना चाहना गुरु साहब की कृपा न भाई गुरदास साहब कहते जो पंजाब तो गए तो उन्होंने को किताब आसा हथ किताब पछ ऊजा बन सला धारी के जो मक्के गए भाई गुरदास फिर कहते पुष्ण गाले मान दी काजी मुन्ना कट्ठे हुए वड्डा सांग वरताया लखन सके कुदरत कोई पुष्ण फोल किताब काजी मलाने कट्ठे होके कह लगे भी साईं बाबा जी अजी तुहाडे कोल किताब है इस किताब नूं खोल के फरोल के पढ़ के दसो कि वड्डा कौन रब दे कर मेरे उस्ताद जी कहते होंगे सी बेटा इहदा मतलब यह होया कि जिहड़ी हाजियां दे कोल किताब सी उहदे नालों को वक्री किताब सी साडे बाबे कोल तुसीं अपनी किताब खोल के फरोल के पढ़ के दसो कि कौन है वड्डा अल्लाह दे कर दे श्री गुरु नानक पातशाह महाराज ने आख्या एक साडा बाबा जिहड़ा सच सुनाई सी सच की बे एक तुहाडा बाबा जिन्ने जगन्नाथपुरी के मंदर विच आख्या सी बनारस के मंदर विच आख्या सी और छुरियां चलाउण वाले लोग जनेऊ पाई फिरदे गला में छुरी वगाइण तिन करता आ वेखो छुरियां चलाउण वाले लोग गला में जनेऊ पाई फिर मुसलमाना की शाही मस्जिद उथे मुसलमान का बादशाह श्री गुरु नानक पातशाह महाराज हस के कहते मानस खाने करे नमाज आ वेखो इन्होंने लोगों को जिंदे खाने वाले लोग ने माजा पे पढ़ते बाबे ने जो गल कि कहनी सी ना सच सुनाई सी सच की बेला साई बाबा जी पढ़ के दसो कि रब की गल च वड्डा कौन है अपनी किताब पढ़ के दसो गुरु नानक साहब जी महाराज ने जबानी नहीं दस सकते महाराज ने फिर अपनी किताब खोली किताब खोल के फिर बाबा नानक जी कहते हाजियो काजियो रब के फकीर जो मेरी किताब कहदियां ना कान खोल के सुन महाराज कहते भाई मेरी किताब से यो कहती है कि चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म हजूर करनी आपो अपनी महाराज कहते मेरी किताब कहती है मेरे अल्लाह के घर मेरे खुदा के घर चंगियाईया का भी लेखा होंगे बुरियाईया का भी लेखा होंगे जिहड़ा बंदा चंगे कर्म करता वह मेरे रब के नेड़े हो जाता है जिहड़ा बंदा बुरे कर्म करता रब तो दूर हो जाता आ गई है मेरी किताब महाराज भाई गुरदास साहब जी ने अपनी भाषा में ये पंक्ति लिखी है पुष्ण फोल किताब हिंदू बड़ा के मुसलमान हो भाई साहब कहते ने जो बाबे ने जवाब दिता मजहब दिया तंग लकीर तो बार सी किसी की रो दया तो बार सी किसी की चाह पूछी तो बार सी भाई साहब कहते साढ़े बाबे ने जवाब दिता बंबाया के आजिया शुभ अमला बाजो दोनों जिदे अमल चंगे नहीं हैं उन्होंने रोना ही पाएगा इतने भावे दोनों की गल है तीजे असी हो चौथा होर हो सकता है कि सारे मनुख जाति वास्ते है सचे पातशाह महाराज का उपदेश साध संत श्री गुरु नानक पातशाह महाराज ने गरीब नवाज ने सारे भगतों की बाणी कतर की अपनी बाणी जी उच्चारण की जो सिद्धां दा गोष्ट होने से जो उन्हें करतारपुर साहिब बाणी का रूप दिता जो भाई लिया जिन गुरता गद्दी देनी सी बाबा जी ने इतिहास कहिंदा महाराज ने जो जमीन मरला डेरा जो कुछ हैगा सी दुनियावी जायदाद वो दो पुत्रां दे हवाले कर दित्ती पर जिहड़ी सब तो कीमती चीज सी ना बाबे गुरबाणी की कोठी भाई लहना जी ने देख के उन्होंने सपुरद करके गुरता गद्दी देख के गुरबाणी की कोठी उन्होंने सपुरद करके थापड़ा देकर खडूर साहब तोड़ दिया
साध संगत जे गुरु नानक साहब के घर तो सब तो कीमती चीज है ना। जे किसी चीज की प्रधानगी है, जे को मुख चीज है तो वह शब्द ही है, जिदे बारे भाई गुरदास कहते हैं भी उन्होंने गिनती 84 साढ़े बाबे इको वर्गी। कोई उधरों सवाल करता समेर पर, कोई उधरों बोल पैंता अपड़ों के सिर बोल, वो उधरों बोल पैंता, वो उधरों बोल पैंता, जवाब देने वाला इको ही है। भाई गुरदास साहब कहते हैं उन्होंने करा माता जो बात पै गई फिर उन्होंने विचार चर्चा की, पर बाबे ने 84 सिद्धां दी मंडी नूं जित के अपने निर्मल पंथ दा झंडा सिमेर पर्वत ते गण दित्ता। शब्द जीती सिद्ध मंडली की तो अपना पंथ निराला बाबा फिर झंडा चला के आया पर अपने निर्मल पंथ दा। चलो सारे दिन मैं कह सकता जिहड़े साडे भारत दे लोक आ चंगे भी बहुत हो गए, असीं कहा कि कोई थोड़ा भी कोई कौम सारी माड़ी हुंदी है, कोई परिवार सारा माड़ा हुंदा। जब कारगिल की जंग हुई पाकिस्तान का जो ब्रिगेडियर से उन्हें पता सी भी जो बहादुरी सिखा ने की है शहीद हो ही जाते हैं मरते जाते हैं अगे वे इन बेचार की गाथा किन लिखनी है कि पता लगना, वो फिर चिट्ठी लेके गया कि किमें इन सिख फौज चढ़ती आती है। सास ने कारगिल की पहाड़ियों के झंडा चलाया ना, वो भी गुरु नानक साहब के सिखा ने चलाया। पर तुसी वो मैं हैरान होया वो फिल्म देखो तो नामो निशानी कितने सिख सरकार नामो निशानी की जिम्मे तुसे सिखा का हिस्सा ही कोई नहीं बचा, किन्ने गुरु बचे साढ़े 8 सिख विचो चांद बचे चांद इतने फिर सानू रोस पैदा हो। चलो खैर बाबा जी ने निर्मल पंथ का झंडा किस प्रताप शब्द के प्रताप नारी बाबे ने सिद्धां दी मंडी नूं जित लिया। श्री गुरु नानक पातशाह महाराज गरीब नवाज भाई लहणा जी नूं पोथी दे के सपोर्ट करके भाई लहणा जी ने गुरु अंगद देव बन के फिर उन्हां दा शब्द कोई नहीं अष्टपदी कोई नहीं उन्होंने 63 सलोक ही लिखे ने। गुरु अमरदास मां ने बाणी उच्चारण की, गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने जदों साध संगत संपादना करनी सी गुरु ग्रंथ साहिब की एडे वड्डे जिगरे तो कम लिया, एडे वड्डे जिगरे तो कम लिया साध संगत सिख नूं पहला सबक यह है सिख का पहला विश्वास यह है कि मेरा गुरु अंतर जाम बस इतों सिखी शुरू हो। गुरु अर्जुन साहब नूं पता सी ना जिस ग्रंथ साहब की मैं संपादना कराऊंगा दसवीं जामे इसे ही ग्रंथ साहब असि गुरु का रुतबा देना। गुरु अर्जन साहब पता सी क्यों सास पता सी गुरु अर्जन साहब जो ग्रंथ साहब की संपादना कर लगे इसे दसवीं जामे असि गुरु का रुतबा दे तारी प्रथा खत्म करनी। एडे वे जिले पैगंबर के बहुत हुए ने, रावण के बहुत हुए ने, सारे सरकार जो हुए पर गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह ने गुरता गद्दी के 104 साल पहले 1708 गुरता गद्दी मिली गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने, 1604 गुरु अर्जन साहब महाराज ने जो संपादना करवानी सी एडे वे जिले तो काम लिया ना किसी की जात देखी ना किसी की बरादरी ना किसी की कुल देखी ना किसी का देश देखा। जिहड़े भगतां दी बाणी एक निरंकार नूं मंनदी सी, जिहड़े भगत केवल एक रब दे पुजारी सन, एक निरंकार दे उपासक सन, बस उन्हां दी बाणी गुरु अर्जन साहब महाराज ने दर्ज की और बाबा नानक जी ने उन्हां भगतां दी बाणी पोथी दर्ज की जिहड़ी केवल एक निरंकार दे ही पुजारी सन। साध संगत इह नहीं भी असीं किसी के खिलाफ बोलते हैं जां साडे तंग दिल इस करके, मैं फिर बेनती करते हैं गुरु अर्जन साहब महाराज ने कहते हैं गुरु नानक साहब ने गुरु ग्रंथ साहब बाणी पढ़ के देखो
साढ़े गुरु साहबान ने कद नहीं आखिर कोई मुसलमान ना हो कोई हिंदू ना हो कोई फलाना ना हो पर गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज कहें भाई मुसलमान बथेरे लोग कमाते मुसलमान पहावन मुश्किल जे होए तो मुसलमान पहावन गुरु अर्जन साहब महाराज कहते असी कदों कदों कहने मुसलमान को ना बने जब मुसलमान नाम कहाए मुसलमान कहाओ पर मुसलमान बनना बहुत औखा मुसलमान कहावन मुश्किल जे होए तो मुसलमान कहावे महाराज कहते जे तू होए तो बे कहा भी ने सानू की पता देखो उधर कहते मुसलमान कहावन मुश्किल तो सानू भी कहते ने गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो भलके उठर नाम त्या उतम करे भलके प्रभाती शनाम करे मुसलमान जे तुहाडे गुरु जी ने कहा ना मुसलमान कहाना बड़ा औखा तो गुरु रामदास महाराज कहते सिख तो होना ही बड़ा औखा हजूर कहते ने असी कदों कहते मुसलमान ना हो गए हजूर कहते ने मुसलमान मोमदिल हो महाराज कहते मोम दिल का कोमल होना चाहिए मुसलमान हजूर कहते ने सच कमावे सोई काजी जो दिल सोद सोई हाजी महाराज कहते जो सच की कमाई करता सू भाजी कहने बनो सारे काजी जेड़ा दिल की सफाई कर ले महाराज कहते सू बहुत वधिया हाजी है जेड़ा बंदा वंडियां पाउंदा इहनू उपदेश नहीं करना ये नीवा ये उच्चा ये नीच महाराज ने असी नहीं उहनू पंडित मानदे असी पंडित उहनू मानदे आ और उस पंडित नू असी मत्था टेकदे आ गुरु अर्जन साहिब महाराज असी पंडितां दे खिलाफ नहीं हां असी ब्राह्मण दे खिलाफ नहीं गुरु अर्जन साहब महाराज कहते असी तो उस पंडित को भाई नमस्कार करते हैं क्यों वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा कही असी तो उन्होंने नमस्कार करते हैं हाथ जोड़ के गुरु बहुत वधिया पंडित हिंदू ग्रंथ पढ़ के वेखो हिंदुओं ने छोड़ दी गई बाइबल पढ़ के देखो अपनी उम्मत को बहुत छोटा देती है ईसा जी ने कुरान पढ़ के देखो हजरत मोहम्मद साहब ने बड़ी छोटा दिखाई ने एक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी ने कोई रो रियात नहीं कोई पक्षपाती नहीं एक पुस्तक लिखी है भाई कान सेना भाजी अंग्रेज के वेले जज सी भाई कान सेना भुल गया होया सानू उन्होंने जो कुछ पंथ ले किया जिन्होंने याद है कोई नमस्कार है भाई कान सिंह नाभा ने एक पुस्तक लिखी है हम हिंदू नहीं उहदे विच भाई कान सिंह नाभा कहिंदे ने कि मन्नू ने अपने सिमरतियां दे लिखिया होया कि ब्राह्मण चोरी करदा फड़िया जाए राजा नूं सजा ना भैणां नूं बेनती करां बच्चियां नूं पढ़ो ये अकाल पुरख की फौज है ये प्रेम ने काबू होंदे ने ते बेनती है कोई मेरा समा कीमती नहीं तुहाडा समा कीमती है मैनूं तो माड़ा है कृपा करे सेवा बख्शे तुहाडा बड़ा कीमती समा सारे आपको दे सतनाम मन्नू दे सिमरत च लिखिया होया कि जे ब्राह्मण चोरी करदा फड़िया जाए तां राजा नूं सजा ना ये सजा राजे नूं मिलनी चाहीदी है कि जिन्हें ब्राह्मण का ध्यान नहीं रख्या उन्हें चोरी करनी पैदा मैं माफ करना कई बार कहना चोरी ब्राह्मण करे सजा राजे नूं मिले तो ब्राह्मण दे ढेड विड़ हुंदी है कि चोरी करन हट जाए अपने बाबा जी नूं पुछ के वेखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं ते जे कोई गुरुद्वारे आउण वाला होवे सिक्खी लिबास होवे उह जे चोरी चारी औखे समय चोरी कर ले ते हानि भरोगे गुरु नानक साहब महाराज ने ना पाई चोर की हामा परे न कोए चोर किया चंगा दुबारा ने ना पाई मैं चोर की हामी भर मन्नू जी कहते ने
शूद्र धर्म का उपदेश ना इनू मत ना दे। दरखत से चढ़ के ब्रह्म फल खांदा हो शूद्र आन के दरख्त को हाथ ला दे दरख्त से भ्रिष्ट होया ही होया उत्ते जगह ब्रह्म में भ्रिष्ट हो इन्नी शूद शब्द ये कोई गल जबानी कलामी नहीं है लिखित विच ने मनु की सिमरतियां का आपस दंभ सिमरतियां का अध्याय नौ ते चौथी नंबर सलोक दे रूप कंपदी है ते जे तुसी कोई यज्ञ करो असी लंगर कहने यज्ञ कहने जे यज्ञ विच जो भोजन पानी वध जाए ते वो भोजन शूद्र को देना होए असास एक सोचन सारे आपको सतनाम श्री वाहे जे यज्ञ करो खाना वध जाए भोजन वध जाए तो शूद्र को जो भोजन देना हो बर्तन च पा के नहीं देना चाहिए उन्होंने जमीन पा के अध्याय नौ चौथी नंबर सलो सिमरतियां उन्होंने जमीन च पा के देना चाहिए कि वो शूद्र अगला शब्द मैं नहीं वर्तना शूद्र एक जानवर का नाम है दो एक तुहाडा बाबा जी ने सारी दुनिया ने गल लकड़ी च लै के आख्या ओ एको है भाई एको है साहब मेरा एक तुहाडा बाबा जी ने जगत का उधार करने वास्ते सुल्तानपुर तो तुरना सी सब तो पहला महाराज ने साथ लाई ना को हिंदू ना मुसलमान वो मेरे रब दे घर च कोई हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं एक तुहाडे बाबा जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे ते हजूर कहने अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सा बंदे एक नूर दे सब जा रूप जे कौन परे को मन जो गुरु अमरदास महाराज जिन्हें थोड़े समझ साड़ी जाति उची है सिख कहते मत्था टेकते होंगे पर प्रशादा नहीं छा वो कहें असं इन्हों लोगों के बराबर से बैठ के प्रशादा नहीं छकना लंगर तो गुरुद्वार स्थान महाराज ने ऐसा उन्होंने कह के देखो तीन दिन लगातार सिख कहते रहे गुरु अमरदास कहते ने प्रशादा पानी छक के जाओ भावे एक प्रशादा छको एक घराली छको वो कहते जी इन्हों के बराबर नहीं छको फिर गुरु भी तेरे फिर गुरु अमरदास महाराज ने आख्या इतने लिख के ला दियो पहले पंगत पाशाह पहला जो पंगत में प्रशादा छकेगा जो समझदा मैं इन्हों के बराबर से बहन के योग नहीं उन्होंने फिर मेरे को हुक्म कर दिता पहले पंगत पाशाह इन्नी मजदूरी बन गई फिर की करना सी वो कहते असं इन्होंने बराबर भी नहीं बहना हजूर कहते फिर हूँ मेरे को ना फिर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कमाल ही कर दी जो एक वर्ड में सारिया अभी भी सारे घुट पाए जाने सात संघ इस करके एक अंग्रेज है टैन भी वो पता की कहना असी तो कहना ही कहना अंग्रेज टैन भी कहता कोई समा आएगा जब सारी दुनिया के धर्मां का एक धर्म बन गया जेडे दानशमंद लोग हैं सियाने लोग हैं फिर विचार करेंगे वो सारे धर्मां का एक धर्म बन गया यदा धर्म ग्रंथ केड़ा होवे कहता उस वेले मैं बड़े भरोसे न कहना जो सारे धर्म का एक धर्म होएगा उस वेले सारे धर्मां दे एक धर्म का जो ग्रंथ होएगा वो होएगा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शेख बाबा फरीद साहब अपनी उम्मत नूं कहण गए उठ फरीदा उदूसान सुबे निवाज गुजार जो सिर साई नाने में सो सिर का पोता बाबा फरीद साहब अपनी उम्मत नूं बेखौफ होण के कहण गए फरीदा बेनिवाजा पुत्तिया एह ना भली रीत कभी चालन आया पंजे वक्त मसीत जे कि यह पंक्ति साढ़े गुरु जी की होंगी ना तो बेनवाजा कुत्ते लोगों कहना सी साढ़े मुसलमान भरावान कहना सी सानू तुहाडा गुरु बेनवाजा कुत्ते कहता असं हम यो कह सकते हैं जी ये तुहाडा घरेलू मसला बाबा फरीद साहब पुछो तुम उन्होंने गल
पर बाबा फरीद साहब नूं पता सी लोग सच नहीं सुनते। बाबा फरीद साहब जवाब देणगे उहने तुहानूं नहीं आखिया मैं ते अपने आप नूं कहणा फरीदा बेनवाजा कुत्ते इह ना भली नहीं मैं ते अपने आप नूं कहणा। बस इतों धर्मी बंदे की जिंदगी शुरू होती है मंदा जाने आप तो अवर पड़ा सर हमने चंगे गुरों नहीं को सासन मेरे मन में चो चेता ही आ गया गुरु साहब की कृपा न तुसी आखो कि कोई सबूत नहीं है कि गुरु नानक साहब ने यह बाणी कतर की गुरु नानक साहब ने बाणी कतर की। हां भाई गुरबाणी पढ़ के देखिए गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के देखो शेख बाबा फरीद साहब पाक पट्टन दे रहण वाले सी पाकिस्तान दे शहर उस वेले पंजाब च ही उस वेले बाबा फरीद साहब दी गद्दी ते 11वें थान ते बैठे सी शेख इब्राहिम महाराज रहे फरीद साहब दी बाणी पढ़ी सुनी। अब मैं दो तीन श्लोक गुरु दी कृपा नाल सांझे करां वैसा विश्वास हो जे कि गुरु नानक साहब ने बाणी कतर की। बाबा फरीद साहब का एक सलोक आया फरीदा पहले पैरे फुलड़ा फाटी पछा रात जेड़ा रात का पहला पैर हुंदा नहीं इस तरह कह लो जी 6 to 9 बजे तक। बाबा फरीद साहब कहते ने भगती का जेड़ा पौधा है उस फुल लगते ने पहले पैर रात लंघ जाती है जो अमृत वेला होंगे उन्होंने फुलों को फल बन जाते हैं जेडे पहला मौका भी समझते हैं सौदा का वेला जो आप कहते हैं अमृत वेला संभाल देते पहले पैरे फुलड़ा फल की पछा रात जो जगन लहन से साई करूंगा जेडे अमृत वेले जागते हैं उन्होंने फिर फल प्राप्त होंगे। धन गुरु नानक साहब महाराज ने सलोक पढ़िया महाराज कहते बाबा फरीद जी गल तो तुहाडी ठीक है पर कोई बंदा अमृत वेले उठ के इस गल का हंकार ही ना कर ले दावा ना समझे कि हुण मैनू दात प्राप्त होनी होनी आ। पर हजूर ने एक नाल सलोक उच्चारण किया हजूर कहते ने दाती साहब संधिया क्या चल तिस नाल एक जगन दे ना लैन एक सुत्यां दे उठा। बाबा फरीद जी ने कहा सी जो जगन लहन से सन करन जिहड़े जगदे ने उह दात प्राप्त कर लैंदे मतलब ले। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे रब आया दातां दे ते आ बंदा जागदा मतलब जदों रब जी उहनूं दात देण आए ते अगले बंदे हंकार नाल भरिया होया कि सारे लोग सुते ने मैं ही अमृत वेले जागदा गुरु नानक साहब कहते रब जी को सुते हुए जला के कहते हुए भलिया लोगों पुत्र मैं दात देन आया सा उस बंदे वो हंकार ना भरिया होया उठ मेरा पुत्र तू दात प्राप्त कर लिया जब मैं दात लैके उन्हें मैं वापस लैके नहीं जा। गुरु नानक साहब ये कहना चाहते हैं वह हंकार तो बचो यो पाती है व्यक्ति साड़ी गल न मरे ही समय जन ये हौमै विख्या जन हाथ मिल ना दिखती है एक हौमै है जी रब नित पाती है दुनिया नी वित पाती है। शेख बाबा फरीद साहब का एक सलोक आया बाबा फरीद साहब का सलोक पढ़िया गुरु नानक साहब ने तन तपै तनूर ज्यों बल हड बला पैरी थका सिर जुला जे मुरी मलन। बाबा फरीद साहब कहते हो जे कि शरीर नू दुख दित्या रब मिलता हो मैं इस शरीर नू तंदूर वांग तपा देना हड्डा का बालन बाल देना जे कि पैदल तुरिया रब मिलता हो जे मैं मेरे पैर थक जान मैं सिर नू पैर बना के चलन लिए तैयार हाँ जे कि रब मिलता हो पैरी थका सिर जुड़ा जे मूं तेरी मदानी। बाबा नानक जी ने आख्या बाबा फरीद साहब जी गल तो तुहाडी ठीक है पर लोग यह ना समझ लैन भी बाबा फरीद साहब धूनिया तपाउण की गल करते पैरी तोड़न की गल करते शरीर नूं कष्ट देण की गल करते हैं। फिर गुरु नानक साहब ने नाल सलोक उच्चारण किया हुण बाबा फरीद साहब का सलोक सुनियो तन तपै तनूर ज्यों बल हड बलन पैरी थका
सिर जुला जे मुंह पिरी मला ते बाबा जी का स्लोक ही है तन ना तो पाए तनूर ज्यो बालन हट न बाल। बाबा नानक जी कहते हो बाबा फरीद जी ये कहना चाहते ने तन तंदूर वांग तपाउण दी नहीं जरूरत। तन ना तो पाए तनूर ज्यो बालन हट न बाल। सिर पैरी क्या फेरिया अंदर पिरी निहार। बाबा नानक जी कहते ने बाबा फरीद जी कहते हो सिर ते पैरां दा कसूर की है रब ते अंदर वसदा साडा। एक सलोक सुन लो बाबा फरीद साहब का सलोक सी सोहरे ढोई नाल है पेये नहीं था फिर वात ना पुछे धन सुहागना। सोहरे घर ढोई नहीं मिलती पेके घर थां कोई नहीं मालक वात नहीं पुछता तो नाम की रखवाया जे सुहागन। बाबा नानक जी कहते फरीद साहब गल तो बिल्कुल ठीक है पर ये हूं दसी सुहागन कौन है। हजूर कहते ने सोहरे पे कंत की कंत काम था नानक सो सुहागनी जो भावे बेपरवा। सुहागन वो है जी मालक पावे भावे कुड़ी होवे पेके कर दे कुड़ी होवे सोहरे कर दे हर वेले अपने मालक याद रखती है। हजूर कहने इसे तरह भाई दुनिया में कोई किरत करो जो रब याद रखता है वो मेरे रब की सुहागन। भगत बेणी जी का तो आप निर्णय कर ली भी भगत बेणी के शब्द सामने है कि नहीं। भगत बेणी जी ने कहा सी कहो बेणी गुरमुख त्यावै जिन सतगुरु आत्मा पावै। गुरु नानक सामने नाल सलोक उच्चारण कीता कहो नानक निश्चो त्यावै जिन सतगुरु आत्मा। चलो खैर साल संत श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने तीन वरे लगे इस पवित्र पाठ साल संत अज बड़े बड़े लोगों के दिमाग बड़े बड़े इंटेलीजेंट लोग ने बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पर वारे वारे जाइए धन गुरु अर्जन साहब महाराज तो जिन्ना मर्जी दुनिया का चलाल तो चलाल बनता हो जिन्ना मर्जी वो पढ़े लिखे तो पढ़िया लिखा जिन्ना मर्जी वो शातर दिमाग हो पूरे गुरु अर्जन साहब महाराज ने इस तरतीब ना इस तरीके बाणी दर्ज करवाई है कोई माई का ना नाम एक अखर पढ़ सकता तो ना कोई एक अखर पा सकता पूरी गिनती है पूरी गिनती। सब तो पहला जप बाणी है मूल मंत्र है जप बाणी है उस तो अगे जिस बाणी अमृत वेले पढ़ की हदायत है अमृत संचार कर लगे पहली बाणी है उस तो अगे एक बाणी है जिसके दो हिस्से ने एक हिस्से का नाम सोधा है उसके पांच शब्द ने अगली बाणी जड़ा सो पुरख है उसके चार शब्द ने सोहिला साहब की बाणी है जिसके पांच शब्द ने तीन शब्द गुरु नानक साहब के ने एक गुरु रामदास महाराज का एक शब्द धन गुरु अर्जन साहब महाराज का उस तो अगे इकत्ती राग शुरू होंगे ने सोहिला साहब की बाणी का सौन वेले इस बाणी का पाठ करना सोधर की छां वेले यह बाणी पढ़नी इस तो अगे फिर कत्ती राग ने श्री राग माझ गौड़ी आसा गुजरी देव गुदारी बेहागड़ा वड़हंस सोरठ तनासरी जैसरी टोडी बराड़ी तलंग सूधी बिलावल गोंड रामकली नाटम रैन माली कौड़ा मारू तुखारी केदारा भैरों बसंत सांग मलार कानड़ा कल्याण प्रभाती ते जय जयवंती। जय जयवंती रख इकत्ती राग ने जय जयवंती राग केवल गुरु तेग बहादुर साहब ने उच्चारण किया जिथे रागां की समाप्ति होंगी है उत्थे फिर सहस्त्रीति की बाणी है जिदे च चार शब्द गुरु नानक साहब ने गुरु अर्जन साहब महाराज ने नालों नाल गिनती की चार शब्द सहस्त्रीति की बाणी जो गुरु नानक साहब ने 67 श्लोक जेड़े ने वो गुरु अर्जन साहब महाराज ने अगे गाथा बाणी है 24 शब्द ने गुरु अर्जन साहब के अगे पुणे बाणी है वो 23 शब्द ने गुरु अर्जन साहब के
चौ बोले बाणी है उसके 11 शब्द ने, अगले बने 243 श्लोक भगत कबीर साहब के ने, 130 श्लोक बाबा फरीद साहब के ने। सवैये मुख वाक 9 गुरु अर्जन साहब के, सवैये मुख वाक 11 ये भी गुरु अर्जन साहब के, इस तो अगे 123 सवैये ने पाठ साहबान, 10 सवैये गुरु नानक साहब जी की उसत विच ने, 10 सवैये गुरु अंगद देव महाराज जी उसत विच ने, 22 सवैये जेड़े ने गुरु अमरदास महाराज जी की उसत विच, 60 सवैये गुरु रामदास जी की उसत विच ने, 21 सवैये गुरु अर्जन साहब जी, ऐन गिनती कीती होई तूं माही दा लाल कर सकदा जेरा दिलीए दे विच। अगे फिर सलोक 12 ते वरी, एक गल याद रखिए जिहड़ियां 12 हुंदियां सन ये केवल पौड़ियां हुंदियां सी, ये जिहड़े सलोक विच दर्ज कीते ने ये गुरु अर्जन साहब जी ने कीते ने, जिहड़े फिर सलोक 12 तों वध गए महाराज ने फिर एक बाणी वखरी अंगद कीती, उपर लिखिया सलोक 12 ते वधीक, ये सलोक 12 तों वध गए ने। उहदे 33 सलोक गुरु नानक साहब जी, 67 श्लोक श्री गुरु अमरदास महाराज ने, 30 श्लोक गुरु रामदास जी ने, 22 श्लोक गुरु अर्जन साहब, इस तो अगे 57 श्लोक गुरु तेग बहादुर साहब जी ने, उस तो अगे मुगामी महला पंजवां ते श्लोक महला पंजवां 13 कीता जा पाउंदा है। साध संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी च 305 अश्वकलियां ने, ये शब्द 2 पदियां का है, ये शब्द 4 पदियां का महाराज ने बकिया का लिखा है। इस शब्द की किनिया तुकां आउणगे महाराज ने पहला सलेर 2 तुके, 3 तुके, 305 अष्टपदियां ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। सब तो वध अष्टपदियां गुरु नानक साहब की 123 अष्टपदियां, और 145 छंद ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च, 21 वारां ने गुरु नानक गुरु साहब दीआं, 3 वारां ने गुरु नानक साहब दीआं, 4 वारां गुरु वारां दे गुरु अमरदास महाराज दीआं, 8 वारां ने गुरु रामदास महाराज दीआं, अगे 6 वारां गुरु अर्जन साहब महाराज दीआं ने। 21 वारां दे विच 463 पौड़ियां ने गुरु साहब, जिहड़ी भाई सत्ता ते बलवान की वार है राम कई दे, उहदे विच 8 पौड़ियां ने सत्ता ते बलवान दीआं, इस तरह कह लो 463 पौड़ियां गुरु साहिबां दीआं ने, 8 पौड़ियां सत्ता ते बलवान दीआं, 471 पौड़ियां ने 22 वारां, 21 वारां गुरु नानक गुरु साहब जी ने, जिहदे 994 श्लोक, इन्हां श्लोकां विच वारां दे 63 श्लोक ने गुरु अंगद देव महाराज ना को शब्द है उन्हां दा ते अष्टपदी नहीं है। अगले बने भगतां दी बाणी जिहड़ी है 224 शब्द ने बाबा कबीर, 61 शब्द भगत नामदेव जी ने। मैं इस करके वारे वारे जाना, हे गुरु अर्जन साहब महाराज तुहाडे तो वारे वारे जाइए, ये पता नहीं की भाणे वापरने सी, ये की कुछ होना सी। 61 शब्द जेड़े ने भगत नामदेव जी ने, 40 शब्द भगत अरदास जी के ने, 4 शब्द भगत त्रिलोचन जी के ने, 4 शब्द बाबा फरीद साहब के ने, 3 शब्द जेड़े ने भगत धन्ना जी के ने, 2 शब्द जेड़े ने भगत जयदेव जी के ने, 2 शब्द भगत भीखण जी के ने, भगत परमानंद का 1 शब्द, सदना जी का 1 शब्द है, सैन भगत जी का 1 शब्द है, पीपा जी का 1 शब्द है, रामानंद जी का 1 शब्द है, भगत सूरदास जी ने 1 तो कह गुरु ग्रंथ साहब 1 तो, बाकी शब्द गुरु अर्जन साहब का। देखो साधन जिस भगत की 1 तो की 1 तो सी ना गुरु अर्जन, अज कविता कोई उचारदा तो नाम हो ही कोई खाई करता, क्यों भाई तुम कहो सैन कविता किसी होर विद्वान की होंगी है, लिखित किसी होर की होंगी है, तो वो काबू आ जाती है, वो लिख के
ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਛੁਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੀ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆਦਰ, ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ, 15 ਥਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ, 7 ਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ 224 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਾਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਡੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ। ਏਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਆ ਕਿਤੇ ਦੁਆਰਕਾ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਾਪੂ ਆਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਜੀ ਮਿਲੇ, 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ। ਐਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ, ਭਾਦਰੋਂ ਸੁਦੀ ਇੱਕ ਮਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਧੈ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਰਿਧੈ ਵਿਚਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਟਹਿਲ ਕੀ ਕੌਣ ਸੋ ਧਰੈ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਨ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਦੀ ਤਰੇਣ ਪੱਲੇ ਬੰਸ, ਸੋਡੀ ਜੇ ਕੁਲ ਕੇ ਅਵਤੰਸ, ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੋ ਤਿਨ ਕੋ ਹੰਕਾਰਾ, ਕਰ ਨਾ ਸਕੇਂਗੇ ਸੇ ਉਦਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੇਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਤਰੇਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਭੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੇਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੱਲੇ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਕੀ ਵਸਤ ਸਦੀਵਾ, ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਜਿਨੋ ਮਨ ਨੀਵਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀਏ, ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਨਿਪੁੰਨ ਜੋ ਹੋਏ, ਕਰੀਏ ਕੀਆਂ ਸਥਾਵਤ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਰੋ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨਾ, ਅਸ ਬੁੱਢਾ ਵਿੱਚ ਸੇ ਪਰਬਿਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ।
साध संगत मैं माफ करना, मैं कहना धन बाबा गुरदासा छे साल होए भाई लहना जी करतारपुर आया गुरता गद्दी देती। पहला मत्था बाबा नानक जी ने टेकिया ते बाबा बुढ़ा साहब ने पिछे पिछे टेक दिया। गुरु अंगद देव ने महाराज ने गुरु अमरदास 11 साल सेवा की गुरता गद्दी गुरु अमरदास ने देती। पहला गुरु अंगद देव ने मत्था टेकिया पिछे बाबा बुढ़ा साहब ने मत्था टेकिया पूरी खुशी दे। गुरु अमरदास जी ने गुरु रामदास नूं गुरता गद्दी दित्ती मत्था टेकिया पिछे पिछे बाबा बुढ़ा साहब ने मत्था टेकिया। 18 साल के गभरू गुरता गद्दी दी गुरु रामदास जी ने। 18 साल का गभरू गुरु अर्जन साहब ने बाबा बुढ़ा साहब ने खड़ाया, आशीर्वाद दित्तियां, बाणी पढ़ाई, संख्या कराई, विद्या पढ़ाई। 18 साल ने गभरू मत्था टेक दिता बाबा बुढ़ा साहब। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 11 साल के सी जब बाबा बुढ़ा साहब ने मत्था। कहना ही सौखा होगा गुरु अर्जन साहब महाराज को भाई गुरदास कहते जी बड़ी लंबी विचार की ग्रंथ की थापन बारे। गुरु अर्जन साहब कहते भाई गुरदास जी कल आप प्रकाश कर जे मैं दुनिया के लोग पुछन भी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की कहती है सिद्ध किहो जिहा चाहीदा ते मैं फिर इशारा करके आखा भी बाणी कहिंदे सिद्ध किहो जिहा चाहीदा जिहो जिहा मैं अज तुहाडे विच बैठा हां। बोले सोनिया सतिया काल मैं बड़े फखर नाल कह सकदा बाणी कहिंदी है आओ जिहा सिद्ध चाहीदा जेड़ा मैं अज तादा बिठाया। बाबा बुढ़ा जी ने जिन्हां ने कोई सलाह नहीं की बाबा बुढ़ा जी वालों किसी को ग्रंथी थाप दिंदे बाबा बुढ़ा साहब ने उन्होंने नमस्कार कर देना सी। उदो ही पता लगा जब ग्रंथ साहब का स्वरूप हरिमंदर साहब दरबार साहब लेके जाना सी लखां लोग आए ने। इतिहास के बचे ने भी बुढ़े कहो श्री गुरु कहा शीस अपने तार बाबा बुढ़ा साहब जी ग्रंथ साहब का स्वरूप तुसी अपने शीस ते उठाओ। बुढ़ा निज सिर पर धन ग्रंथ ग्रंथ साहब शीस से टका के बाबा बुढ़ा जी कहते महाराज तुरो दे अगे बुढ़ा निज सिर पर धर ग्रंथ आगे चलो सुधा सरपंथ। बाबा बुढ़ा साहब जी हुण अगले पासे ग्रंथ साहब चलिया करोगे ते तुसी चलिया करोगे पिछे मैं तुहाडे चलिया करां मैं नहीं हुण ते कर। हर मंदर में जाए पहुंचे मान बागले पहले अगारे बचन मान के अगे के तुर पे चौर साहब की सेवा किने की। भाई साहब कहते ने चंबर गुरु अर्जुन करता ने चौर साहब की सेवा गुरु अर्जुन साहब कर ला। शब्द पढ़ते पढ़ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज 5 साल के सी ते गुरु अर्जुन साहब के चोहा साहब ने उन्होंने चोले की कंडी फड़ के जा रहे सी ते बड़े सुंदर लग रहे सन। लखां सिख ने इतिहास कहना भी हर मंदिर में जाए पहुंचे रागी राग करत सुर उच्चे। जदों हरिमंदर साहब गए रागी सिंह एडे जज्बे दे नाल एडे प्यार विच आ के उच्ची सुर विच कीर्तन कर रहे सन। हर मंदिर में जाए पहुंचे रागी राग करत सुर उच्चे मंजी सैत ग्रंथ ते कार जिथे अज प्रकाश होंगे ना गुरु ग्रंथ साहब इतने फिर मंजी सहद ग्रंथ से थाप एक बनी गुरु अर्जन साहब जी ने दूजे पास भाई गुरदास साहब जी ने पलंग साहब फड़िया उथे उतारा किया। भाई साहब कहते ने मंजी सहद ग्रंथ ते थाप निकट बैठे गुरु तब आप
वार भोग की सुन मन लाई। जब रागी सिंह ने फिर गाया आनंद भया ने मारे सतगुरु ने पाया भोग की वार गाई गुरु अर्जन पौन गिरा लाए। फिर गुरु अर्जन साहब जी कह लगे बुढ़ा साहब अब खोलो ग्रंथ। बाबा बुढ़ा साहब जी हुण ग्रंथ साहब खोल। बुढ़ा साहब अब खोलो ग्रंथ लेहो आवाज सुने सब पंथ। बाबा बुढ़ा जी मुख वाग लो सारा निर्मल पंथ जो मुख वाग सुनेगा तुहाडे कोलों। भाई साहब कहते ने अदब संग ग्रंथ सो खोला। जदो बड़े अदब ना ग्रंथ साहब खोलिया बाबा बुढ़ा साहब ने लेह आवाज बुढ़ा मुख बोला। बाबा बुढ़ा साहब ने फिर मुख वाक लिया। मुख वाक केड़ा आया संतां के कारजिया दुख लोया हर काम करावण आया राम तक सुहावी काल सुहावा अमृत जन छाया। मुख वाक लिया पहला मुख वाक सी जदों सोदर का पाठ हो गया तो बाबा बुढ़ा साहब कहंदे ने महाराज हुण असीं सुखासन किथे करना। ग्रंथ साहब दा साथ संगत बेशक उदों ग्रंथ शब्द नहीं सी नाल खिमा करनी पर अज गुरु शब्द दी वरतना चाहीदा। महाराज असीं सुखासन किथे करना ते हजूर कहंदे ने जिस कोठड़ी मेरे हमारा। बाबा बुढ़ा साहब जी जिस कोठड़ी विच जिस पलंग ते मैं विश्राम करदा हां उस पलंग ते अज ग्रंथ साहब जी विश्राम करनगे। जिस कोठड़ी मेरे हमारा तहां निवास करो जो तुमा उथे असीं निवास करवाउणा। जदों ग्रंथ साहब दा सुखासन हो गया बाबा बुढ़ा जी कहने तुहाडा घर अज पलंग किथे लाईए जी तुहाडा आसन किथे लाईए। ते गुरु अर्जन साहब कहंदे ने भूम सैन सब तहां बराजे श्री गुरु भूतल निकट हसीनो। बाबा बुढ़ा जी मेरे वास्ते आ चादर बिछा दिओ ग्रंथ साहब दे पलंग साहब दे कोल। अज तक वी उत्ते चादर विछदी है। 1604 विच प्रकाश होया 1606 विच शहीदी होई। फिर गुरु अर्जन साहब महाराज उस तो बाद उस पलंग साहब के कोल चादर बिछा के सौंदे रहे। अज भी उत्थे चादर बिछाई जाती जिथे महाराज का सुखासन हुंदा। अगले दिन महाराज ने फिर हुक्मनामा एक जारी किया मेरे स्वरूप ते जाते हैं वीर साहब जान अदायते हैं मेरे नाल हुण वध सत्कार करो गुरु ग्रंथ साहब का करना। साध संगत में एक बेनती आप नूं करनी चाहुंदा गुरु नानक साहब 18 साल करतारपुर साहब खेती की। गुरु नानक साहब जी ने अपने बैठने लई अपना कोई विशेष स्थान नहीं बनाया। गुरु अंगद देव जी खडूर साहब रहे। गुरु अंगद देव जी महाराज ने खडूर साहब अपने बैठने लई कोई विशेष स्थान नहीं बनाया। गुरु अमरदास जी ने गोइंदवाल साहब कोई अपने बैठने विशेष स्थान नहीं बनाया। धन गुरु रामदास जी ने अपने बैठने लिए अमृतसर सारा नगर वसाया गुरु रामदास जी ने पर अपने बैठने विशेष स्थान नहीं बनाया गुरु रामदास जी ने। गुरु अर्जन साहब महाराज ने सारी जिंदगी अपने बैठने लिए कोई विशेष स्थान नहीं बनाया पर जो तो शब्द गुरु का प्रकाश करना सी ग्रंथ साहब का प्रकाश करना सी अपने बैठने लिए किसी गुरु साहब ने विशेष स्थान नहीं बनाया पर जब सदीवी ते ग्रंथ साहब गुरु जी का शब्द गुरु का प्रकाश करना सी तां गुरु अर्जन साहब ने उस वेले करोड़ा रुपये ला के सोने ते कीमती हरिमंदर का निर्माण करवाया शब्द का प्रकाश करने तो पहला। गुरु नानक साहब के घर में असल जी तत् की जी जिस चीज की प्रधानगी है जी मुख चीज है इसे ही शब्द को असि गुरु तक की देनी है। उस शब्द के प्रकाश वास्ते साध संगत तकरीबन तुम ला लो 3 साल के हरिमंदर साहब की इमारत बनी गुरु अर्जन साहब ने शब्द के सत्कार साध संगत वड्डा सत्कार की है कि गुरु हर राय साहब महाराज उन्हों का पुत्र राम राय
औरंगजेब को खुश करने वास्ते जदों काजियां मलाणियां ने वेख्या बड़ा सत्कार किया राम राय का। काजी मलाणे कहते ने भी औरंगजेब शाह जी पुछू हाँ राम राय ने तुहाडी बाणी च की लिखा है मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पे कमया। गुरु हर राय साहब ने तुर लगे आख्या से पुत्र शाह नु खुश करने वास्ते करा मात नहीं रखी ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬੜਾ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੇ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਪੰਗਤੀ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਕਮਿਆਰ पर भाई गुरदास की गलती करके भाई गुरदास को गलती हो गई उन्होंने लिख दिता मिट्टी मुसलमान की लखारी की गलती हो गई। प्रोफेसर साहब से भाई वीर से कहते शाह खुश हो गया पर दीन दुनिया के मालिक सदा वास्ते नाराज हो गए। दो सिख दिल्ली तो आए महाराज तुहाडे पुत्र ने गुरबाणी की पंक्ति शब्द की पंक्ति बदल दी। गुरु हरदास साहब महाराज कहते ने ये कौन है वड्डे गुरु जी के वचन बदल वाला इन्ना नलायक इन्ना नलायक निकलिया भयो नलायक धीर ना रहे उन्हें धीर जी नहीं रखी एडा नलायक। फिर महाराज ने आखा उन्होंने आखो जिधर मर्जी चला जाए मेरे मत्थे ना लगे ना साडा मुख वेखे ना दिखाए ओ गुरु जे फुल टुट गया ते कोमल हिलदा दरब गया पर शब्द की नरादरी शब्द की बेअदबी ना सहारते हुए दुनिया के पनबरां दे सब तो सख्त फैसला लिया। गुरु हर राय साहब ने सदा वास्ते अपने पुत्र नूं घरों कढ दिता इसे शब्द की खातिर। मैं तुहानूं बेनती करा मैं समाप्ति करा साध संगत इस वेले एक एजेंसी नहीं जिड़ी मैं बेनती करना साडा पढ़न दा रुझान घट गया पिया पढ़ो अपना इतिहास पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी सहज पाठ करिए गहराई में जाइए गुरु अगर दास करके अज सारिया की कोशिश है तुहानू गुरु ग्रंथ साहब नूं किवें तोड़िया है जे देहधारी गुरु ने उन्होंने जिहड़े चेले ने उन्होंने इहो जे शंके दसते हैं वह साढ़े बंद दसते हैं सिख जरा करो टपला खा जाता है। खैर सिख तो नहीं टपला खाता पर है तो आप सिख ही आ। मैं एक देहधारी गुरु के चेले ने सवाल किया जी तुम कहते देहधारी गुरु नहीं हो सकता मैं कहीं नहीं हो सकता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने देहधारी गुरु की प्रथा बंद कर दी तीन देर कहिंदा जी तुसीं कहिंदे देहधारी गुरु नहीं हो सकता फिर दस गुरु देहां च क्यों जदों साडे सिख नूं इह गल कहिंदा तां असीं कहिंदे आ कि गल ते ठीक है तुसीं कहिंदे दस गुरु देहां पई देहधारी गुरु नहीं हो सकता दस गुरु फिर देहां च क्यों आए तुहाडे साध संगत दा मैं जवाब दिंदा हुंदा कि लोक पंजाब की धरती से कई दीवारों पर लिखा होंगे निजी कोठी की दीवार से इस दीवार से लिखना मना एक बेवकूफ आ गया वो कहिंदा भी एक पास लिखा दीवार से लिखना मना तो दूजे पास लिखने वाले ने क्यों लिखा एक कहिंदा दीवार से लिखना मना तो इन्हें लिखने वाले क्यों लिखा और दूजे को तुहाडे वर्गा सियाणा बंदा सी आंदा मूर्खा बेवकूफा दीवार ते ऊल जलूल ना लिखे इन्ना ते लिखना ही पड़ेगा ना दीवार ते लिखना मन साडे ना एक बटाला शहर है गुरदासपुर जो मैं अखी वेख्या वो ट्रैफिक जाऊंगा उदो लाइटा नहीं सी हुंदिया ट्रैफिक वाला सफाई खलोता दोपहर बड़ी है जे तू पैदल खुले तो उस पाई आगे चल के अगे चल आराम करनी वर्दी पाई ट्रैफिक वाले जे तू साइकिल वाला चल चल अगे चल भाई जे तू स्कूटर वाला चल के अगे चल
एक बंदा आंदा भी जे कोई पैदल आन के खलोए तू कहना चल लगे, जे कोई साइकिल वाला स्कूटर वाला आके रोक तू कहना चल लगे, तो तू सवेर का आ गए तो क्यों खड़ोता पे जेडे आने दस बजे हाँ जी क्यों आए, किसी को तू खलो नहीं दिंदा तो तू आप सवेर का क्यों खलोता। वो सफाई हस के कहता बेवकूफा मैं कोई खलोन वास्ते खलो, मैं ये दसन वास्ते खलोता इतने खड़े नहीं होना, आप अपने नियम अनुसार चलो, जो मैं इशारा करता वो अनुसार चलो, मैं खलोन वास्ते नहीं खलोता। साढ़े दस गुरु देहां च क्यों आए, बाबा नानक जी की बाणी पढ़ के देखो सीधा पुछया सी तेरा गुरु कौन है, गुरु कहते शब्द गुरु सुख तुम चिंता। देहां विच हुंदे होए शरीर च हुंदे होए गुरु नानक साहब कहते हैं कूड़ कौया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार, भाई लालो दे वेड़े ते बैठते एक शब्द गाया बाबा नानक जी, जब वो शब्द की समाप्ति हुई भाई लालो मत्था टेकन लग पाया, हा बदम सदन में समाप्ति कर लग पाया, भाई लालो ने मत्था टेकया आ पल्ले बनू गल मेरे वास्ते होनी जरूरी है, जदों मत्था टेके बाबा नानक जी कहते हैं भाई लालो मेरे शरीर में मत्था टेक, भाई लालो मेरे शरीर में मत्था ना टेक, ये मेरा शरीर अज है दसां नूं वीहां सालां ना रहेगा, भाई लालो मेरे मत्था टेक, भाई लालो गुरु नूं मत्था टेक, गुरु शास्त्र भाई लालो गुरु नूं मत्था टेक, गुरु नूं भाई लालो कहना महाराज गुरु कौन है, बाबा नानक जी कहते हैं भाई लालो जिहड़ा शब्द सुन के तेरी आत्मा नूं नंदा है, भाई लालो जिहड़ा शब्द सुन के तेरी आत्मा नूं शांति मिली है, वो शब्द ही गुरु है, भाई लालो कहिंदा महाराज शब्द तुहाडा नहीं सी, महाराज ने भाई लालो ये शब्द मेरा नहीं सी, इहते जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसरा करी ज्ञान मिला, सच की बाणी नानक भाई लालो मैं तू अपने वालों कुछ भी नहीं कह रहा, मैं सदा रहने वाले रब की बाणी कह रहा, मैं तू सदा रहने वाले गुरु की बाणी कह रहा, मैं तू सदा रहने वाले रब की बाणी कह के सुना रहा, सात संग नवी नाम संग जोगी मेरे पता नहीं होते गुरु जाने, तुहाडा मर्द कमड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचन सुन, गुरु गोबिंद सिंह महाराज मर्द कमड़ा, 14 जंग होए उस मर्द कमड़े ने, 4 जंग छोटे होए 14 जंग वड्डे होए, औरंगजेब बादशाह ने सारे भारत की फौज आनंदपुर बुलाई 10,00,000 फौज, हजूर का परिवार शहीद हो गया, छोटे लाल शहीद हो गए, बड़े लाल पंथ शहीद हो गया, 700 सिंह सरसा से शहीद होया, पंथ का हुक्म मन के गुरु गोबिंद सिंह महाराज चले गए, सात संगत एक बने 10,00,000 को दूजे पासे 40 पुष्टे पानी मार, हजूर जदों चमकौर की गड़ी जो गए ने हजूर का बाणा लीरो लीर हो गया, वज वज के जंगल के कंडे हजूर के कोमल चरणों में वार पर हो, हजूर का शरीर पवित्र सी लहू लहान हो गया मर्द कमड़े का, इतिहास कहता भी खून वग वग के हजूर का पवित्र दशहरा मास ना जुड़ चुका सी, भाई गनी खान जो भाई नबी खान ने गर्म पानी करके टकोरा कर करके हजूर का दशहरा लहू नाल पवित्र मास में वक्त किया, हजूर का बाणा लीरो लीर हो गया, कंडे वज वज गए आर पार हो गए, पर मर्द कमड़ा झुकया किसी अगे नहीं, वो तो 10,00,000 इधर मर्द कमड़ा झुकया नहीं ना, तुहाडा मर्द कमड़ा किसी अगे क्यों सांस नहीं, पर मर्द अगमड़ा एक बारी जिंदगी झुकया किसी अगे, एको बारी जिंदगी झुकया मर्द कमड़ा किसी अगे, जिन्हों 10,00,000 फौज ना चुका सकी, बाणा लीरो लीर हो गया, परिवार शहीद हो गया, 3 योद्धे ना रह गए, मर्द कमड़ा झुकया नहीं, पर मर्द कमड़ा एक बारी जिंदगी झुकया किसी,
ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਪੈਸੇ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਿਰ ਧਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੇਵਲ ਤਰਨ ਦੁਆਰ ਕੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਵੀ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਜੀਵ ਡਬਨ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਗੰਬੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਡਿਆ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਝੁਕੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਆਏ। ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਬੰਦਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਖੂਨ ਹਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਿਆ, ਪੁਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਨਾ।